इसी कुकिंग भाई परमजीत कौर फ्रॉम मोहाली में थोड़ा स्वागत है। हाँ जी, आज की बना रहे जी? आज असि कच्चे पपीते दे लड्डू बनावांगे। जे साडी रेसिपी तरह अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। कच्चे पपीते दे लड्डू दी ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, उन्हें हम बनाना बहुत ही आसान है। बस इन बनाने वास्ते साडी वीडियो आखिर तक जरूर देखो। जे हुण तक साडा चैनल सब्सक्राइब नहीं कीता तो ओ भी प्लीज कर दियो, नाल ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दियो ताकि साडी हर आन वाली नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुंच सके। कच्चे पपीते दे लड्डू बनाने वास्ते 800 ग्राम का कच्चा पपीता लिया जी असी, 300 ग्राम असी शुगर लई है, 2 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर लिया, 4-5 इलाचियां असी बरीक करके उसका पाउडर बना लिया। पपीते असी कट कर लिया 2 हिस्सों, उस तो पहले सब तो पहले जे अंदर ये बीज हैं वो असी कट देने, किसी चीज़ की मदद नाल इहनूं कट दिओ, इन बिल्कुल असी अंदरों क्लीन कर लेंगे। कच्चे पपीते असी अच्छी तरह वॉश कर लिया जी, ये देखो जी असी बीज भी कढ़ते हैं तो एक वाइट लेयर होंगी है, इतने वो भी असी कढ़ दी, पपीता साडा बिल्कुल साफ हो गया जी। इस तो बाद असी ग्रीन छिलका उतार देना, किसी चीज़ की मदद ना उतार दियो, चाहे पीलर ना उतार दियो या चाकू छुरी ना उतार दियो, मतलब है कि असी छिलका उतारना है। पीलर ना सारा हरा छिलका देखो जी असी उतारता, हरा छिलका उतारन तो बाद असी अच्छी तरह इनू वॉश कर लेना क्योंकि पपीते चिकनाहट होंगी है तो इनू कद्दूकस कर लगे फिर प्रॉब्लम होंगी है, इस करके पहले असी इनू अच्छी तरह वॉश कर लेना। इस तो बाद असी कच्चे पपीते नू कद्दूकस कर लेना जी, कद्दूकस करन तो बाद असी इनू अच्छी तरह मल मल के धोना जी इनू ताकि इहदी पूरी चिकनाहट निकल जाए। कच्चे पपीते च चिकनाहट बहुत होंगी है जी, अच्छी तरह इनू मलांगे पानी पा के, उस तो बाद छलनी च असी इनू छान लेना जिन्ना चिकनाहट वाला पानी इहदा नीचे निकल जाएगा जी। एक बार फिर असी फ्रैश पानी ना धो लेना जी इनू, छलनी चो कढ़ लेना जी इनू, पानी सारा नीचे चला गया था, एक बाउल च असी शिफ्ट कर लेना इनू। कद्दूकस किए हुए कच्चे पपीते नू असी अच्छी तरह पानी च वॉश करके छलनी छान लिया जी, बिल्कुल पानी इहदा कढ़ दिता। तो हुण इस तो बाद असी चीनी ऐड कर दें जी, ये कच्चे पपीते का जरा वेट हैगा जरा ग्रेड करन तो बाद 600 ग्राम सी, तो असी 300 ग्राम शुगर ऐड की, अच्छी तरह से शुगर इस मिक्स कर देनी। चीनी असी अच्छी तरह मिक्स करती है जी, असी इनू 19 देर इनू रखांगे रेस्ट पर, जिनी साड़ी चीनी पूरी मेल्ट हो जाए, जो साड़ी चीनी पूरी मेल्ट हो जाएगी तो उस तो बाद असी नैक्सट प्रोसैस स्टार्ट करांगे। ये तकरीबन साड़ा 1.25 घंटा लगता होंदा इनू मेल्ट होने, मेल्ट होनी शुरू हो गई देखो साड़ी, ये कंप्लीट मेल्ट होने 1.25 घंटा लग जाता है। इनू असी ढक के रख देना जी, तो उस तो बाद असी नैक्सट प्रोसैस स्टार्ट करांगे। कच्चा पपीता और चीनी मिक्स करके रखे हुए देखो जी 1.5 घंटा हो चुका है, देखो साड़ी चीनी पूरी तरह मेल्ट हो चुकी है, बस इनू असी हुण बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई च ऐड कर दें जी, बहुत ही आसान ने कच्चे पपीते के लड्डू बनाने। पहले असी इनू फुल फ्लेम पर रखता जी, जदों भी ये गर्म हो जाएगा तो फ्लेम अभी अस फिर लो कर देंगे क्योंकि साड़ा मेन मकसद है, एक तो असी कच्चा पपीते नू गलाना है तो एक जो मॉइस्चर वो पूरा सुकाना है, तो असी लो फ्लेम पर कुछ देर असी इनू रखांगे, जो देखांगे साड़ा पपीता गल गया तो फुल फ्लेम पर करके तो पूरा मॉइस्चर असी सुका देंगे। 3 मिनट असी हाई फ्लेम पर इनू कुक कर लिया जी, बहुत अच्छी तरह उबाला चढ़ गया इनू, हुण असी फ्लेम इहदा लो करता तो उस तो बाद असी इनू ढक्कन दे के असी रख देना जी, तो असी देखांगे जो साड़ा पपीता गल जाएगा उस तो बाद फुल फ्लेम पर मॉइस्चर पूरा सुकावांगे। ये तकरीबन 10-15 मिनट लग जाते हैं इनू गलन, तो उस तो बाद चैक करांगे 10-15 मिनट बाद, जे ये गल गया होया तो फुल फ्लेम पर इनू मॉइस्चर सुका देंगे। 15 मिनट लो फ्लेम पर रखे हो गए जी, हुण असी चैक करते हैं मॉइस्चर हाले हैगा, पानी हाले हैगा,
10 मिनट होर लगेंगे। देखो जी हाले प्रॉपर गलिया नहीं है तो तुम कह सकते हो 10 to 15 मिनट असं इन होर रखा उस तो बाद चेक करा। पंद्रह मिनट होर हो गए जी कुकन दे लो फ्लेम से हम चेक कर देंगे असं। हाँ जी की पोजिशन है जी ये गल चुका है थोड़ी जी पानी है। देखो जी ये पपीता जरा कच्चा वो थोड़ा गल चुका है लेकिन जी इस मॉइस्चर है तो मॉइस्चर अभी कंप्लीट सुखाना बिल्कुल इन असं ड्राई करना। फ्लेम असी गैस का बधाता जी फुल फ्लेम करता इनू नाल हिलाई जाना ताकि नीचे ना लग जाए। कोकोनट पाउडर ऐड कर दें जी अच्छी तरह असी मिक्स कर देना जी और फुल फ्लेम से असी मॉइस्चर सुखाना यदा। बस इन हिलाई जाना है ताकि नीचे ना लग जाए। 5-6 छोटी इलाचियाँ का पाउडर असी बनाया सी ये ग्रीन इलाची है। मॉइस्चर बिल्कुल सुक गया जी तो गैस असी हुण बंद कर दी तो इनू ठंडा होने वास्ते असी रख दें असी उन्ना क ठंडा करना जिंग असी लड्डू ये बना सकी क्यों हाले बहुत गर्म है तो जो ये ठंडा होएगा फिर ये असी लड्डू बनावांगे। पपीता ठंडा हो गया जी तो हुण असी लड्डू बनाने शुरू कर दें। बस उन्ना ही गर्म है जिन्ने क असी लड्डू बना सकते हैं क्योंकि ज़्यादा गर्म गर्म के बनाने मुश्किल हो जाते। बस असी इस तरह इनू एक हाथ तो दूजे हाथ करके सॉफ्ट हाथ ना असी लड्डू बना देने जी। बहुत अच्छे लड्डू बन रहे हैं ना तो ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं। बस इस तरह असी सारे लड्डू बना लेने जी। सारे लड्डू बन के साडे तैयार हो गए जी। बादाम नाल इहनू गार्निश कर दें जी। कच्चे पपीते दे लड्डू बन के साडे बिल्कुल तैयार हैं। उम्मीद करते हैं तुहानू पसंद आएंगे एक बारी बना के देखो और कमेंट बॉक्स अपने कमेंट्स जरूर दो कि तुहानू कैसे लगे। थैंक यू वेरी मच।